नमस्कार दोस्तों। देखो दोस्तों, आज का हम जो टॉपिक है वो है केस। केस जिसको हम बोलते हैं कारक। केस कारक वो एक केस, कोई राड दंगो या जना हुआ वो भी केस होगी। बिन की निम की अंतर है मुकदमा या जैसे मामला, ये केस अपना कारक। और एक केस और होता है जिसको रोकड़ी होता है, वो सीधे ऐसे ऐसे होता है, वो स्पेलिंग चेंज है, ये इस प्रकार के। तो ये केस है कार्य। हिंदी भाषा के मायने तो देखो केस आठ प्रकार का है, लेकिन आपने इंग्लिश के मायने तीन ही प्रकार का केस दिया है। देखो केस है कार्य होता है, देखिए देखो देर आर थ्री काइंड्स या टाइप्स। टाइप्स भी प्रकार है और काइंड्स भी प्रकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ, तीन प्रकार के हैं। पहलो तो है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस किंतु क्या है, कर्ता कारक, ठीक है। दूसरो है ऑब्जेक्टिव केस, इनकी अगर है कर्म कारक, ठीक है। और तीसरो है पजेसिव केस, इनकी अगर है संबंध कारक, यानी ये तो करता काम को करने वाला है। कर्म कारक भी आखिर है जता करती है, मतलब ये काम हुए ऑब्जेक्ट किस का है। और पजेसिव केस या फिर जो किसी मतलब जैसे अपना ये जो कर्म कारक वो या जैसे कोई ऑब्जेक्ट टाइप कोई है उसके और जैसे कर्ता के बीच में संबंध बताने का काम करता है, वो होता है आपका पजेसिव केस। ऐ तीन प्रकार का होगा अपना केस, नॉमिनेटिव कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव कर्म कारक और पजेसिव केस संबंध कारक, ठीक। अब देखो आपका आगे बात कर रहा हूं। जी हाँ देखो नॉमिनेटिव केस ठीक है। लाइन मार दो पजेसिव केस फिर लाइन मार दो और ऑब्जेक्टिव केस। आ चीज अपना प्रोनाउन में भी बड़ी ये मोर पढ़ने हैं। देखो इसमें पजेसिव में क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। ध्यान रखो दो चीज हुई तुम्हारे, ठीक है। चलो एक ग्रुप टास्क बन गया। अब देखो एक हमारे नॉमिनेटिव केस में देखिए आप आई वी यू ही सॉरी पहले प्लूरल था ये दे ही सी और इट, ठीक है। आई वी यू दे ही सी इट सेम आगे का एक आगे मिल रहा है। चलो नाइन चीज है ये इंगड़ हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत हो, ठीक। और दूसरो लिखो इन दिक्कत आ सकती, चलो अब इन ऊपर ही ले जाएंगे ये चीज है ऊपर बनाए जाएंगे, ठीक है। लोगों ना देखो ऊपर से लेते आराम से, कोई दिक्कत हो ना और बढ़िया तरीका से दीजिए। अठाउन लिखो नॉमिनेटिव केस ठीक। दूसरा देखो पजेसिव केस में शॉर्ट में लिख दूं पजेसिव एडिज यानी एडजेक्टिव और पजेसिव
प्रो यानी प्रोनाउन और ओनो आपको ऑब्जेक्टिव केस। नाम कोई दिक्कत है कोई भाई? नाम में तो क्या दिक्कत है? कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक, ठीक है। अब देखो आई लाइन खींच दो, आई को पोजेसिव एडजेक्टिव जैसी और ये माइन और ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, ठीक। दूसरा देखिए वी लाइन खींच दो, वी को जैसे अवर अवर्स अस, ठीक। फिर है यू, यू का हो जाएगा योवर योर्स और यू, ठीक लाइन खींच दो। फिर है जैसे दे, देखा हो जाएगा दैयर दैयर्स और देव लाइन जी तो। फिर ऐसे ही का हो जाएगा हिज हिज हिम, ये हो जाएगा आपका ठीक है। भी लाइन खींच दो। फिर देखो सी और फीमेल के लिए सीखो जैसी हर हर्ष हर, ठीक। लास्ट ऐसे आप इट इट को जैसी इट इट्स, प्रोनाउन का होता नहीं और इट, ठीक है। याद रखना है नोमिनेटिव केस आई है बिकॉज ऑब्जेक्टिव मी, वी अस, यू यू, दे देम, ही हिम, सी हर, इट इट। इनकी अगर कोई चीजें हैं वो किसी चीज से उनका संबंध बताना है, मार्कर पेन कॉपी पेन पेंसिल जो भी, इनकी अगर चीजें हैं तो इनका संबंध इनके द्वारा बता दिया जाएगा। भाई जैसे मैं कहूँ भाई आई मैं हूं और मेरा ये डस्टर मेरा है, ये मार्कर मेरा, तो मैं क्या कहूंगा दिस इज माय मार्कर, यानी ये मेरा पोजेसिव मार्कर माय मार्कर। हमारा है दिस इज आवर, आपका है योर, उनका है दैयर, ठीक। इस प्रकार से ये भी उन्हीं में दिया जाता है, ये कहाँ कहाँ होता है वो प्रोनाउन वाले पार्ट में आप देख रहे हैं इनका प्रयोग, ठीक। अब देखो हम बात करते हैं इनके, पहले तो इनके केसों के उदाहरण देख लेते हैं भाई कौन कौन सा किस प्रकार से केस है, फिर कुछ केस बनाने के नियम है वो देखिए, ठीक है। देखो पहले नोमिनेटिव केस के देख लेते हैं, बाकी को मिटा देते हैं। नोमिनेटिव केस में यानी कहने का मतलब नोमिनेटिव केस है वो वैसे देखें तो जैसे नाउन का काम करते हैं, नाउन यानी जो सब्जेक्ट की जगह अगर सीधे अर्थों में लिखें तो इसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करता है। नोमिनेटिव केस है इसको सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है। देखो ये आपका कर्ता कारक है, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, देखो आई है ये यहां पे क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, यानी या ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस दोनों ले लेते हैं साथ में, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों। आई है ये तो हम याद था एनसी, एनसी यानी नॉमिनेटिव केस, और जैसे स्टूडेंट है तो ये क्या है ये ऑब्जेक्टिव केस, तो ये हो जाएगा आपका ओसी यानी ऑब्जेक्टिव, समझ गए। इस प्रकार से दूसरा देखिए जैसे राम, चलो राम ले लेते हैं, राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर, वही बात है राम को क्या है नॉमिनेटिव केस, डॉक्टर क्या है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। जैसे आई ईट
समझ गए। और देख लेते हैं, वी आर रीडिंग बुक। ठीक, देखो वी क्या है, नॉमिनेटिव केस। बुक क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। सीधी सी चीज है, काम को करने वाला करता करे और जिस पर काम हो रहा है करा करे। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव और ये नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो इसी के साथ में मान लो हम एक चीज और जोड़ दें, पजेसिव भी इसी में डाल दें। यहां ऑब्जेक्ट लगाओ, डालो पजेसिव, पजेसिव केस नीचे लिख लेते हैं। ठीक, पजेसिव केस भी इसमें कैसे, जिसमें देखिए इनके उदाहरण, पजेसिव का मतलब संबंध होना चाहिए, जैसे He is my father। अब देखो ये तो आपका नॉमिनेटिव केस है, माई क्या आ गया, पजेसिव केस आ गया, ऑब्जेक्टिव में तो ये आ रहा है, तो ये इस प्रकार से आपका पजेसिव केस आ गया। संबंध यानी वह मेरे पिताजी है, वह मेरे पिताजी, उनके और मेरे बीच का संबंध किसने होता है, आप किसने, तो ये हो गया आपका पजेसिव केस। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, पेन है ये, तो इसका संबंध किसे, मेरे से, ये माई क्या है, पजेसिव केस। ठीक है, और देखो जैसे राकेश इज, राकेश इज हर सन, राकेश उसका पुत्र है। ठीक, राकेश है हर, ये कोई लेडीज है उसके बारे में बात हो रही है, तो हम कहेंगे राकेश इज हर सन, राकेश उसका पुत्र है, तो ये हर क्या हो गया, पजेसिव केस। दिस रूम इज ऑफ दिस, ये हो गया दिस रूम इज आवर, आवर्स। अब देखो इसमें ओवर नहीं है, ओवर्स है, क्यों, क्योंकि ये है, ये प्रोनाउन है। यहां देखो ये सन है, पेन है, फादर है, ये नाउन है, तो नाउन से पहले प्रोनाउन तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि प्रोनाउन तो वो होता है जो नाउन की जगह आता है। ये नाउन प्रोनाउन पार्ट, नाउन प्रोनाउन का देखो, प्रोनाउन का जो पार्ट है वो देखना, उसमें समझ में आ जाएगा। यानी नाउन और प्रोनाउन दोनों एक जगह नहीं आ सकते। माई आई है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन, ठीक है, उसी प्रकार से ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो नाउन से पहले प्रोनाउन तो आ नहीं सकता, तो ये तो आपके क्या हो गए, पजेसिव एडजेक्टिव है, केस तो वही है, लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जबकि ये अब की बात है वो ओवर में आ गए, अगर ये होता भाई दिस इज आवर रूम, दिस इज, मान लो देखो जैसे ये यहां से ये आपका पजेसिव केस है, कौन सा है, पजेसिव, लेकिन दूसरा यही सेंटेंस देखिए, दिस इज आवर रूम, अब क्या फर्क हो गया, यह कमरा हमारा है और ये हम, ये मतलब यह कमरा हमारा है और ये हमारा कमरा है, बात तो यही थी, लेकिन देखो इस बार और यह है, ये भी पजेसिव केस है, लेकिन कारण क्या है, कारण यह कि ये नाउन आ गया, तो नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आ सकता, यानी अब ये नहीं आएगा, अब एडजेक्टिव आएगा, तो ये है पजेसिव एडजेक्टिव, इंडेक्स में लिखा है, ध्यान से लिखना, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, तो यानी इसके आगे अगर नाउन नहीं होता है तब हमेशा पजेसिव प्रोनाउन आता है, और अगर आगे नाउन होता है उससे पहले अगर संबंध यानी पजेसिव केस लगाया जाता है तो हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव लगता है। ठीक, कहने का मतलब है लास्ट में नाउन हो और उससे पहले अगर पजेसिव केस लगाना है तो पजेसिव एडजेक्टिव ही लगेगा। ठीक है, और लास्ट में नाउन नहीं हो, समझ रहे हो, और वहां पे पजेसिव केस लगाना है तो पजेसिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, अब आगे सुनो, ये तो हो गया अपने नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव, तो भाई नॉमिनेटिव जो करता होता है वो होता है, और ऑब्जेक्टिव जो कर्म किया वाला है वो, और पजेसिव जो उन दोनों के बीच संबंध बताया, इतना ही।
अब देखो आगे कुछ इसके नियम और केस बनाने के वो देख लेते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, ज्यादा कंफ्यूज करने वाला नहीं है। देखो जैसे देखो केस बनाने के नियम, भाई केस वो जैसे किस प्रकार से बनता है। देखो प्राणी बोधक यानी लिविंग थिंग्स, देखिए इसमें लिखिए प्राणी बोधक होते हैं आपके लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स होते हैं यानी सजीव। जगह नाकाउ फ्रांस लेनी बैंक माना यार है नहीं? उनसे पहले उनके साथ एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी क्या है? वो एक कॉमन है बता दो दिन किया था ठीक है। वो संबंध दर्शाया करे मतलब कर्ता के और आगे कर्म वाले जो की चीज वक्त बीच में है कोई बात है, पर जिस रिलेशन दिखाने का काम करता है यानी का की के, इसका मतलब क्या होता है वो भी दिखा। देखो का की के इस प्रकार का उदाहरण को एपोस्ट्रोफी भी आपने दर्शा ठीक है। लिविंग बींग उनके साथ एपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाया जाता है, लगाया जाता है जो संबंध बताता है, संबंध बताता है कि यहां देखो जैसे एग्जाम्पल देखिए जैसे राम प्राणी बोधक लिविंग बींग आए वो एपोस्ट्रोफी एस राम्स काउ राम की गा की उदाहरण यानी का की के कुछ भी हो सकते हैं, राम की गा संबंध हो गया इन दोनों के बीच में, पर जिस केस के अंतर्गत पड़ गया है ना। दूसरा होता है देखिए सीतांश फादर, सीतांश फादर यानी सीता के पिताजी, सीता के पिताजी यानी प्राणी बोधक नॉमिनेटिव केस वाला तो सात अलग है आई वी यू द ही सी इट अलग है, प्रॉपर नाउन से बढ़ाना है यानी प्राणी बोधक लिविंग बींग्स प्रॉपर नाउन वाले हैं। जैसे इसमें हम ऐसे नहीं बोल सकते जैसे माय फादर वो तो नॉमिनेटिव केस है, संबंध तो होगा लेकिन वो तो नॉमिनेटिव केस वाला जो केस है उनके आधार पर पड़ता है, ये प्राणी बोधक प्रॉपर नाउन वाले हैं। कौन से प्रॉपर नाउन वाले? और देखिए जैसे राहुल स्कूल यानी राहुल की विद्यालय, या जैसे राहुल का ये काय होता है जैसे विद्यालय। देखो ठीक है राम स्काउ राम की गाय, सीतांश फादर सीता के पिताजी, राहुल स्कूल राहुल का विद्यालय। अब कहीं भी इस चीज पर विचार करेगा वो गलत लिख दी, वो गलत को लिखी हो वो शुद्ध किए लिखी से ठीक है, गुरु जी अपन पटाण लाग रहे हैं वो भी सही है, शुद्ध अगर हिंदी में देखें तो ये ही सही ठीक है विद्यालय ठीक है। इस प्रकार से हो गया प्राणी बोधक वो आपने एक नंबर को नियम आने लिविंग बींग के साथ। इस प्रकार कोई भी आदमी को कोई भी चीज बतानी है राकेश, अब आगे राकेश को काई है घर बताना एक भी बताना राकेश लिख एपोस्ट्रोफी लगा एस लगा आगे क्यों चेतु भी करते हैं, अगर चीजा लेनी है तो चीजा ने तो दिया आपने देना हो गया मम्मी पापा बुआ जी मामू मामी की देना है, पहले नाम लिखो एपोस्ट्रोफी वो जो निशान है वो कॉमन फॉलो किया तो वो लगाओ
अभी क्या आगे देखो, कोई भी चीज को संबंध बताना टेक दो, चाहे इनको मोबाइल है, एक भी को कमरों है, एक भी का कोई बिछावना है, कोई भी का रसोई को कोई सामान है, भी का कोई वायला बुला है, कोई भी हो दुनिया में उसकी चीज, प्रॉपर नाउन वालों से पहले उसका नाम कोमो लगाओ, अरे बस भी का आगे टेक दो ना, पास समझ जैसे भाई आप को दे ये कौन है, पता लगा जवाब तो देखो सुरेश को भाई ने, तो हम डायरेक्ट ये कहेंगे सुरेश प्रेम, सुरेश एपोस्ट्रोफी एस अगर फ्रेम, बिको बापू आ गया मान लो यहाँ पर लिख दिया सुरेश फादर, मम्मी आ गया, मामू मामी काका काकी, कोई आ गया चाय पिया, कोई भी चीज आ गया, ये प्रकाश बढ़ जैसे ठीक है मारे के अनुसार जी थे समझ गए होगा। अब देखो आगे किया दूसरों ने भी जैसे मेन साइड है पुरुषों का, पुरुषों का
हिस्सा। समझे, मेंस वार्ड है, मेंस रूम है, मेंस कमेटी है, मेंस पार्टी, कुछ भी है। इस प्रकार से यानी प्लूरल नाउन हो पहली शर्त तो आ, अंत में एस नहीं हो, इस प्रकार का प्लूरल होना चाहिए। नहीं हो तो अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाकर भी एक केस बढ़ा लिया जाता है भाई। चिल्ड्रंस स्कूल, वुमेन्स क्लब, मेंस साइड, है ना, ये प्रकार। ठीक है, चलो आगे की चीज देखा। प्राणी बोध लिविंग बींग्स प्लूरल नाउन हो और देखो इन थोड़ा सा चेंजमेंट करेगा तो देखो प्लूरल नाउन चाहे कोई भी हो समझ बनाओ मैं तो एक ही बात को ध्यान रखना अंत में एस नहीं होना चाहिए। एस नहीं है एपोस्ट्रोफी लगाओ, एस लगाओ और कोई भी चीज उसको संबंध दर्शा दे दुनिया से क्या संबंध दर्शा दे। ठीक है, हाँ अब इन नियम ने तीन नंबर कर दिया वो भी प्लूरल को, ये देखिए वो देखो कौन सा है इनसे को ताल देने का। अब पे एपोस्ट्रोफी मतलब प्लूरल नाउन हो और यानी प्राणी बोध लिविंग बींग प्लूरल नाउन हो और अंत में एस हो तो केवल एपोस्ट्रोफी, लगाते हैं। अब देखो ऐसा हो लकड़ो मिट गए किया, देखो एग्जाम तो देखो यानी अतिवार तो देखा जब हम आगे एस को नहीं हो जब आप लगा एस लगाओ। अब आज हमारे देखो एस है यानी प्लूरल नाउन हो और अंत में एस है तो केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं जब वो हो या वो फुल हो। ठीक है, बॉयज क्लास एंड लड़कों की क्लास, लड़कों की या जैसे कक्षा। ठीक, गर्ल्स, अब देखो इंडिया साइड एपोस्ट्रोफी लगा लेते हो स्कूल, गर्ल्स स्कूल कन्या पाठशाला जबकि बोला ना लड़कियों का विद्यालय। जैसे और चीजें देखा भी जैसे बुक्स का हो, बुक है आगे एस है केवल एपोस्ट्रोफी लगा दियो कवर लिख दियो। पुस्तकों की जिल्द कवर गद्दो चढ़ावा बोल यानी पुस्तकों की जिल्द है ना, जिल्द बोल दिया था, जिल्द में कहीं कहीं समझे बोल ये तो समझ जैसी बुक्स कवर में तो आग लगभग समझे लगा जिल्द में बोले समझे पर गत्ता तो समझो पुस्तकों की। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग तीसरा नियम खत्म। अब देखो चौथा नियम का है काई काई प्रकार से देखो संबंध सब संबंध दर्शा जाए का की के शब्द कोई रिजल्ट आए भाई उसका उसकी उसके है मतलब का की के का दे रहा है पोस्टर भी लग रहा है अर्थ का की के का ही। ठीक है, आगे देखो आप लोग आई नियम के देखा लिविंग बीइंग मतलब सांस लेने वाली नॉन लिविंग जिंदगी, सांस नहीं लेना अपना ध्यान है बहुत सारी चीजें, वो वर्ड है, वो मार्कर है, वो पेन है, पापड़ डस्टर है, बहुत सारी चीजें एहसास थोड़ी की नहीं खान पाए तो वो चीजें उनका जैसे समझने से जैसे है ना। नॉन लिविंग थिंग्स
केस बनाने के लिए, मतलब केस बनाने के लिए केस इशू वो अपन ओपन इशू केस के लिए ओप का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब वो फर्स्ट टॉपिक पर काम आओ किया एग्जांपल देखो देयर ध्यान एक वो है पानी किसी कुएं के पानी का संबंध बताया नहीं तो वो सांस ले बड़े नहीं पानी ले बड़े तो भी साफ होना होता है जन दे वाटर द वाटर ऑफ द बे द वाटर ऑफ द बे द वाटर ऑफ द बे यानी कुएं का पानी। जैसे दूसरा देखिए ध्यान द फ्लावर, अब देखो इतना फूल फाल है नहीं अब यहाँ सजीव में भी आवे लेकिन इनका वो बता रहे हैं अंग्रेजी में मान लेते हैं भाई फूल वाले की तो क्यों करना पड़े बोली तो चलो अंग्रेजी में पेड़ पौधा सजीव आ गया। देखो उसने इसने उदाहरण दिया है तो हम देख लेते हैं द फ्लावर द फ्लावर्स ऑफ द गार्डन यानी बगीचे के फूल बगीचे के फूल है ना। जैसे द हीप हीप ऑफ गार्बेज द हीप ऑफ गार्बेज यानी कूड़े के ढेर हीप हीप जानोगे एच ई ए पी हीप किया करे कुल्ली में कुल्ली तो जानो हाँ भाई बात हीप ऑफ गार्बेज यानी कचरे का ढेर। अब कचरा का ढेर आप क्या लिखा कुल्ली में तो कहा वही यानी कचरे का ढेर है ना। जैसे सॉरी देखो बंच ऑफ कीज द बंच ऑफ कीज साबियां को गुच्छो छलो जानो स्कूल का मायने पता है कमरा हो जब शहरा एक डोरी का मायने पोर्ट साका लगा दी एक नंबर की दो नंबर की शंकर बेड़ी वो गुच्छो बना दे द बंच ऑफ कीज यानी साबियों का गुच्छा साबियों का गुच्छा। ये प्रकार की जो चीजें हैं निर्जीव चीजें मैं ओप को प्रयोग करा और दर्शाई गए बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में देखने के लिए जो देखेंगे आप निर्जीव का संबंध बताना है ना तो उस हिसाब से बता सकते हैं। जैसे जैसे वो बोलते हैं ना हम जैसे सोने की जैसे अंगूठी है चांदी की है लकड़ी की कोई चीज बनी है तो हम कहेंगे भाई दिस द मेज ऑफ वुड द मेज ऑफ वुड लकड़ी की द रिंग ऑफ द गोल्ड सोने की अंगूठी है ना द एंगलेट ऑफ सिल्वर चांदी की पाजी। इस प्रकार घनी सारी चीजें है दुनिया के मायने उदाहरण बस बढ़ाता हूं कोई भी चीज है क्या की बड़ी बड़ी ये बतानी है निर्जीव बिना सांस ले रही है नॉन लिविंग थिंग है यानी आराम बढ़ाता हूं ठीक कोई दिक्कत कोई ओप सो बढ़ जैसे एक बात का ध्यान रखना मेन चीज है निर्जीव किसी आप बड़ा मन एक बात का ध्यान रखिए नोट कर लेना नोट बेजा तो की चीज यानी ये तो होता है आपका नॉन लिविंग मींस का ओप्स केस बनाने पर जो पहला अपना नाउन होता है नाउन देखो वो भी नाउन है वाटर भी नाउन है फ्लावर भी नाउन है गार्डन भी नाउन है हीप भी नाउन है गावेज भी नाउन सब नाउन है तो यानी बनाने से नॉन लिविंग बीइंग का ओप से केस बनाने पर फर्स्ट नाउन समझ गया कि यानी प्रथम नाउन नाउन से पहले
लगाना अनिवार्य है, दे लगाना अनिवार्य है, आज ही ध्यान दे रहा हूं, अनिवार्य जी वो गैर रहे हैं ना वो लगान जरूरी है। ये बात आई जी के नॉन लिविंग बीइंग्स का ओ से केस बनाने के प्रथम नाउन से पहले दे लगाना अनिवार्य है। अगला पाप देखते हैं हमने वाटर ऑफ द वेल कोई उचित नहीं फ्लॉक हो बात रिगार्ड कोई मतलब कोई दूसरा से पहले तो लगाओ पता कि कुछ नहीं लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे वाटर ऑफ वेल वाटर ऑफ द गार्डन दूसरों के लिए दायित्व लगाओ ठीक है को नहीं लगाओ कोई बात नहीं लेकिन पहले से पहले वो आर्टिकल जरूरी है ठीक है कंपल्सरी है ये चीज ठीक है। इस प्रकार हुआ 500 तो नियम कंप्लीट। अब देखो 500 वो भाई कहेगा सजीव लिविंग लिविंग का केस ऑफ या वो एपोस्ट्रोफ लगाना यानी ऑफ या एपोस्ट्रोफ को कॉमन नाम आ रही है एपोस्ट्रोफी दोनों से बनता है दोनों से बनता है। ये बात को ध्यान रखो जो भाई दोनों बने किया देखो राम्स फादर राम्स फादर राम के पिता की प्रकार बनाया ना देखो जिया बुक्स कमर बुक्स कमर द कवर ऑफ बुक्स द कवर ऑफ बुक्स है ना सीतांश मदर The mother of Sita. The mother of Sita. यहाँ भी बन सकते हैं देखो जी हाँ वो है आपका गोल्ड गोल्ड श्रृंग सोनारी मुरली The ring of gold. The ring of दो बार लिखी होगी चलो एक मिनट लगे The ring of gold. पीपल का नाम भी बढ़ जाए जी हाँ राम्स स्कूल राम को स्कूल द स्कूल ऑफ राम्स द स्कूल ऑफ राम। हाँ एक चीज देखो एक माया वहां गड़बड़ लगी कि मदर ले लिया था लिविंग थिंग ले ली एक माया गड़बड़ होगी थोड़ी सी पर्टिकुलर इन देखो आप आइए कर गया नहीं भाई जैसे सीतांस बुक सीता की किताब द ओ बन जैसी द बुक ऑफ सीता ओ मदर करा हाँ मदर भी ठीक है जी हमारे को प्रसिद्ध कोई फेमस माओ यार मान लो सीता की
तो अभी यहाँ पर दिनिया भाई चलो देर मत है ना, लेकिन ओ ये थिंगो आप लोग ओ है नहीं प्राणी बोधक ये कोई दर्शन हो अब देखो बुक्स खाओ रखो तो नहीं वो प्राणी बोधक को खोल लेकिन ये देखो सीता है जैसे सीता दर्भ कोक सीता गोल्ड से ये मापा लिविंग को लिखे होगे लिविंग और नॉन लिविंग दुनिया को ये तो माने दोनों चीजें कोई जान लेते दुनिया को देख लो आप कोई बात नहीं बुक्स का और वो द कवर ऑफ बुक्स एक ही बात है सीतांश बुक है द बुक ऑफ सीतांश एक ही बात है गोल्ड रिंग है द रिंग ऑफ गोल्ड एक ही बात है राम स्कूल द स्कूल ऑफ राम एक ही बात है लिखने का तरीका है दोनों तरीके से लिख सकते यानी प्राणी को अंदर इसमें हमने वो लिखा नहीं किया नोट कर लीजिए नॉन लिविंग नॉन लिविंग बीइंग आ दुनिया को ले इस प्रकार को हम बढ़ा सकते ठीक अब देखो वो छठा नियम का है कई बार टाइम में दिया डिपेंड करता है चीजों पर कई बार कौन बने कई कई सेंटेंस जैसे हम लिख देते हैं भाई राजस्थान कैपिटल वो गलत हो जाता है वो कैपिटल ऑफ द राजस्थान ही होगा राजस्थान कैपिटल नहीं होगा कैपिटल ऑफ द राजस्थान ही होता है कुछ कुछ है देखो छठो नियम कहेंगे जब दो नाम एंड से जुड़े हो वे दोनों का संबंध किसी वस्तु से हो तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी कहें समझ जाओ लगेगा किया देखो राम्स एंड सुरेश टीचर राम्स एंड सुरेश टीचर राम और सुरेश दोनों का संबंध है जबकि एक से होता है तो बाद वाले से लगता है यानी यदि संबंध एक से हो तो वह बाद वाले के साथ लगेगा क्या बोलूं मतलब संबंध एक में दर्शन हुए जब भी बाद में लगाए थे भाई इस बाद में दर्शन हुए बीके दर्शन पर ठिलाए थे एक दिन पर सीता एंड समझ गए एक से संबंध दर्शन रोहन एंड सोहन सोहन ठीक ई प्रकाश माप का है के सिद्ध का हो गया ठीक श्रमण भाई उन्हें इसकी बात जरूर बताइए मेन बात आपने एक ही का मतलब समझ मानो समझ में नहीं आप पूछ लो कमेंट कर पूछ लियो स्क्रीन पर आपका नंबर बार बार शुक्राना नंबर नोट कर लियो व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट से भी आप जानकारी ले सको ठीक और आप केस को मान लो खत्म ओके लगे आपने ओके शर्ट को वीडियो पूरा नगर तरीका थे देखियो जब तो केस शर्ट वो नहीं मामलो गड़बड़ी है ना तो केस हजार ये केस में शर्टाणु है तो ये मान लो वीडियो ने पूरा न बारीकी से देख लो ठीक उम्मीद करता हूँ शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया हो है ना धन्यवाद दोस्तों।